तो गाइज आज के इस वीडियो में जानेंगे कि आप अपना आधार कार्ड के साथ आप अपना मोबाइल नंबर को कैसे लिंक कर सकते हो। आपका आधार कार्ड के साथ आपका मोबाइल नंबर लिंक नहीं किया हुआ है तो आप घर बैठे बैठे आप अपना मोबाइल फ़ोन से आप लिंक करा सकते हो। गाइज सबसे आपको ये जानना जरूरी है कि आपके आधार कार्ड के साथ कौन सा मोबाइल नंबर लिंक किया हुआ है। मोबाइल नंबर लिंक किया हुआ तो भी पता चलेगा, नहीं है तो भी आपको पता चलने लगेगा। तो गाइस उसके बाद मैं आपको आगे बताऊंगा कि आप घर बैठे बैठे कैसे आप अपना आधार कार्ड के साथ मोबाइल नंबर को कैसे लिंक कर सकते हो। आपको कहीं जाना नहीं, आपको कहीं पे जाने की जरूरत नहीं, आप घर बैठे बैठे आप अपना आधार कार्ड के साथ आप मोबाइल नंबर को लिंक कर सकते हो। 100% जेन्युइन प्रोसेस है। तो चलिए मैं आपको आगे बताऊंगा। तो गाइस ये वीडियो को बिना स्किप किए शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखना। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट, सो गाइज इसके लिए आपको करना है कि आप अपना मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन के ऊपर चला आओगे। जैसे कि आप अपना मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन के ऊपर चला आओगे, सबसे पहले आपको ये चेक करना है कि आपके आधार कार्ड के साथ कौन सा मोबाइल नंबर लिंक किया हुआ है। तो इसके लिए आपको करना है कि सिंपल आपको सर्च बार पे चला आना है। जैसे कि आपने अपना मोबाइल फ़ोन में सर्च बार पे चला आओगे, सिंपल लिखना है माई अदर लॉगिन, इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे कि आपने यहाँ पर क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद माई अदर लॉगिन का वेबसाइट में आपको लॉगिन कर लेना है। ओके देख इस प्रकार से ओपन हो जाएगा। अब भी आपको करना है कि सिंपल नीचे की ओर चला आना है। ओके एकदम नीचे की ओर चला आओगे तो गाइस सिंपल लिखा है चेक आधार वैलिडिटी, आपको यहीं पे क्लिक कर देना है। जैसे कि आपने यहाँ पे क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद आपको करना है कि आपका जो आधार कार्ड के नंबर है, आपका आधार कार्ड के नंबर दे देना है, कैप्चा को दे देना है। उसके बाद सिंपल प्रोसेस बटन पर आपको क्लिक कर देना है, क्लिक कर देना। जैसे कि आपने प्रोसेस बटन पे क्लिक कर देते हो, अब भी देखिए सिंपल आपका आधार कार्ड का नंबर पता चलने लगेगा। उसके बाद देखिए नीचे आपका आधार कार्ड के साथ जो भी मोबाइल नंबर लिंक किया है वो नंबर के यहाँ पे लास्ट 3 डिजिट नंबर आपको पता चलेगा। तो गाइस इसके थ्रू आप ये पता कर सकते हो कि अपना आधार कार्ड के साथ कौन से मोबाइल नंबर लिंक किया हुआ है। नहीं है तो उसी में नल करके आएगा तो आप समझ जाना कि लिंक किया हुआ नहीं है। बट आपने लिंक करना चाहते हो या तो आप ये मोबाइल नंबर को चेंज करना चाहते हो, दूसरा मोबाइल को लिंक करना चाहते हो, तो इसके लिए आपको करना है कि सिंपल आप डायरेक्टली मोबाइल फ़ोन भी होम स्क्रीन को बस चला आइएगा। ओके अब भी आपको करना क्या, देखिए सिंपल आपको फिर से दोबारा आपको गूगल पे चला आना है। आने के बाद सिंपल लिखना IBBP। ओके IBBP लिख कर आपको सिंपल सर्च कर देना है। जैसे कि आपने सर्च कर दोगे सिंपल देखिए इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक की साइट ओपन हो जाएगा। ओके तो ये सिंपल इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक के साइट में आपको ओपन कर लेना है। गाइस यहीं से आप अपना मोबाइल नंबर को अपडेट कर सकते हो, चेंज कर सकते हो। ओके अभी सिंपल एडवर्टाइज को क्लोज कर दूंगा। गाइस सिंपल अब भी आपको करना है कि सिंपल यहाँ पे 3 डॉट है, आपको 3 डॉट पे क्लिक कर देना है। जैसे कि आपने 3 डॉट पे क्लिक करोगे, अब भी सिंपल नीचे देख सकते हो लिखा है सर्विस रिक्वेस्ट, तो आपको सर्विस रिक्वेस्ट पे क्लिक कर देना है। जैसे कि आपने सर्विस रिक्वेस्ट पे क्लिक करोगे, आपके सामने देख सकते हो पे 2 ऑप्शन शो हो रहा होगा। देख सकते हो IPPB कस्टमर, उसके नीचे देख सकते नॉन IPPB कस्टमर। तो गाइस सिंपल आपको क्लिक करना है IPPB कस्टमर के ऊपर, जस्ट आपको क्लिक कर देना है। जैसे कि आपने यहाँ पे क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद आपके सामने काफी सारा ऑप्शन चला आएगा। अब भी आपको सिंपल क्लिक करना, देख सकते लिखा है आधार सीडिंग, तो आपको आधार सीडिंग पे क्लिक कर देना है। जैसे कि आपने यहाँ पे क्लिक करोगे, अब भी सिंबल आपको नीचे की ओर चला आना है। ओके एकदम नीचे आना है, उसके बाद सिंबल देख सकते हो ऑप्शन पे क्लिक करना। देखिए AMR AMRS, ओके AMS लड़की हो तो इसमें देखिए AMR, आप बॉय हो तो AMR कर दीजिएगा, कोई शादीशुदा औरत है AMRS, देखिए जिनका शादी नहीं हुआ तो AMS पे क्लिक कर सकते हो। ओके AMR पे क्लिक कर देना है। अब भी आपको करना है कि आपका फर्स्ट नेम दे देना है, आपका लास्ट नेम दे देना है, जो मोबाइल नंबर को चेंज करना चाहते हो वो मोबाइल नंबर दे देना है। ओके एड्रेस लाइन पे देख सकते हो आपका पूरा फुल एड्रेस दे देना है, आपका पिन कोड दे देना है। समझो कि आपका जो आधार कार्ड में जो एड्रेस है, दूसरा और कहीं का भी एड्रेस हो सकता है, समझो आप करेंटली जहाँ पे हो वहीं का एड्रेस दे दीजिएगा। ओके आप करेंटली जहाँ पे भी हो वहीं जगह की एड्रेस दे देना है। ओके आप दूसरा जगह की एड्रेस मत देना है। समझो कि आपके घर है उत्तर प्रदेश में, आप फिलहाल मुंबई में रह रहे हो, बट आपने ये सोच रहे हो कि चलो मैं उत्तर प्रदेश वाला एड्रेस दूंगा, ऐसे मत करना। आप करेंटली जहाँ पर रह रहे हो वहीं के एड्रेस दे दीजिएगा। ओके उसके बाद वहाँ की पिन कोड भी दे दीजिएगा। ओके पिन कोड देने के बाद सिंपल देख सकते हो बाकी का जो ऑप्शन यहाँ पे ऑटोमेटिकली चला आएगा। ओके आपका जो भी पोस्ट ऑफिस है, नियरेस्ट जो भी पोस्ट ऑफिस है, आप पोस्ट ऑफिस को जरूर सिलेक्ट कीजिएगा। ओके देख सकते हो पिन कोड देने के बाद आप पोस्ट ऑफिस सिलेक्ट करोगे तो बाकी सब ऑटोमेटिकली यहाँ पे फिल हो जाएगा। ओके अब भी सिंपल देख सकते हो एनी फ्रिक्वेंसी पे रिक्वेस्ट, आपको यहाँ पे करना है कि सिंपल यहाँ पे लिखना है कि
मोबाइल नंबर अपग्रेड, ओके इस पर आपको लिख देना है। ओके मोबाइल नंबर अपग्रेड लिखने के बाद सिंबल पे बॉक्स पे टिक लगाना है, यहाँ पे जो भी कैप्चा रहेगा कैप्चा को भरना है। कैप्चा आपको समझ में नहीं आ रहा तो सिंबल कैप्चा को चेंज भी कर सकते हो। ओके कैप्चा को चेंज करने के बाद कैप्चा भर देना है। ओके जिससे कि अपने कैप्चा भरोगे अभी सबमिट बटन पर आपको क्लिक कर देना है, अपने फॉर्म को सबमिट कर दोगे। सबमिट करने के बाद देखिए सबमिट हो जाएगा आपका फॉर्म और 7 दिनों के अंदर 7 वर्किंग डेज के अंदर इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक की ओर से आपके घर में एक एजेंट को भेजा जाता है। वो एजेंट आपके पास आएंगे, आपको आधार कार्ड को देना है और आपको बताना है कि क्या करना है। आप जैसे कि बताओगे कि अपना मोबाइल नंबर को चेंज करना है, वो एजेंट पूरा फुल काम कर देंगे और आपसे 50 रुपीज़ चार्ज लेते हैं ये करने का। आधार कार्ड के साथ मोबाइल नंबर लिंक करना है तो 50 रुपीज़ चार्ज आपको दे देना है। ओके उसके बाद आपका पूरा फुल मोबाइल नंबर चेंज हो जाएगा। अपग्रेड करना चाहते हो, दूसरा मोबाइल नंबर देना चाहते हो, इस प्रकार से आप दे सकते हो। सो इस प्रकार से घर बैठे बैठे आप अपना मोबाइल नंबर को चेंज करा सकते हो। सो आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा है। वीडियो जरा से भी अच्छा लगता है तो वीडियो को एक लाइक करना, चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। चलिए।